Welcome to my channel Happy Commerce Hub, an interesting way of learning by Simran Agarwal. Clear your basics of commerce with me and also get updates about scholarship and news related to your examination. To get latest updates, subscribe my channel and press the bell icon and stay updated with me. हेलो हाय वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सारे बोर्ड एस्पिरेंट्स मेरे? आई होप सब बच्चे बहुत अच्छे हैं और अपनी स्टडीज को बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर का लास्ट पॉइंट फाइनली हमारा फर्स्ट चैप्टर एंड होने वाला है। ये थोड़ा लेंदी था, मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी से नेक्स्ट फोर चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए जाएँ। और जो गाइडलाइंस आने का वेट है कि 40% सिलेबस रिड्यूस होगा, आई एम वेटिंग फॉर दैट, ठीक है, ताकि मुझे भी एक्स्ट्रा मेहनत ना करनी पड़े और आप लोग भी कंफ्यूज ना हो, क्योंकि वैसे तो मैं बहुत रैंडम वीडियोस बना रही हूँ, लाइक हमने हर टॉपिक को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा है। फिर भी अगर चैनल पर वीडियोस रहती हैं तो बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये तो श्योर है कि सिलेबस रिड्यूस होगा हमारा। बट देखो, ये भी एक्सपेक्टेशंस मत रखना कि बहुत ज़्यादा सिलेबस रिड्यूस होने वाला है। अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कंटिन्यू करो, क्योंकि ऐसा नहीं है यार कि हम एक केवल एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए पढ़ा करते हैं। ट्वेल्थ क्लास के बच्चे को कुछ सीखने के पर्पज़ से पढ़ो, कुछ नया जानने के पर्पज़ से पढ़ो। केवल आज भी उसी तरीके से पढ़ोगे कि यार एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ जाएं, तो रियलिटी यही है कि यार आज का सिनेरियो बहुत चेंज है, ठीक है। इस तरीके से मत पढ़ो कि बस हमें पढ़ना है, एग्ज़ाम में लाना है, और बस जिस दिन एग्ज़ाम खत्म हुए तो और शाम को भी मुझसे कोई क्वेश्चन पूछ ले, यानी कि हम लोगों से कोई क्वेश्चन पूछ ले तो नील बटे सन्नाटा वाली कंडीशन अक्सर बच्चों की हो जाती है। क्योंकि हम क्या करते हैं, जैसे ही बोर्ड का पेपर खत्म हुआ, लास्ट क्वेश्चन हुआ, हमने कॉपी बंद की, सारा ज्ञान वहीं पर छोड़ आते हैं। भाई ठीक है, आज से समर वैकेशन चालू, मस्ती चालू, मुझे कुछ नहीं मालूम। ऐसा मत करो, जब भी किसी नई चीज़ को देखो हमेशा कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ नया जानने को मिलेगा, इस पर्पज से पढ़ो, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जैसा हमेशा कहती हूँ, जो स्टूडेंट्स नए हो सब्सक्राइब कर लो, और जो बच्चे पुराने हैं, ठीक है, अभी भी मैंने नोटिस किया कि बच्चों का उस अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। आई एम नोटिसिंग दैट कुछ कुछ स्टूडेंट्स मेरी वीडियोस कंटिन्यू देख रहे हैं, बट ठीक है यार, अगर आप देख रहे हो तो थोड़ा सा अप्रिसिएशन बनता है बॉस कि मैम ठीक है, हमें आपका कंटेंट समझ में आ रहा है, और नहीं आ रहा तब भी बोलो। ऐसा नहीं है कि यार केवल मैम तो ये चाहती है कि बच्चों को समझ में आए, नहीं आ रहा हो सकता है नहीं आए, ऐसा नहीं है ना कि यार कोई जादू है, हो सकता है नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, इसमें क्या प्रॉब्लम है, कमेंट में बताओ, मैं एनी टाइम उसको सॉल्व करूंगी। इंस्टा पे आप मुझे फॉलो करो, टेलीग्राम पे फॉलो करो, कुछ प्रॉब्लम है तो एनी टाइम मुझसे पूछो, उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा ही मिलेगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके एरिया ऑफ मैनेजमेंट की, ठीक है। यहाँ से मैंने छोड़ दिया था आपके लास्ट वीडियो में एरिया ऑफ मैनेजमेंट, यहाँ पर आपके इन्होंने टॉपिक ऊपर काट दिया है, ठीक है, लिखा नहीं है, तो आप लोग यहाँ पर लिख लेना ये क्या स्टार्ट हो रहा है आपका, ठीक है ना। ये रहा हमारा एरिया ऑफ मैनेजमेंट, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। द एरिया ऑफ मैनेजमेंट इज वेरी ब्रॉड। एरिया ऑफ मैनेजमेंट क्या है, बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, यानी कि बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। बिकॉज वे आर ह्यूमन बींग्स वर्क एज अ ग्रुप, द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट एग्जिस्ट इन सम फ्रॉम वेदर द ग्रुप इज स्मॉल और बिग, यानी कि जहाँ भी इंसान ग्रुप में काम कर रहा है वहाँ पर मैनेजमेंट तो होगा ही होगा। बस क्या हो सकता है, ग्रुप छोटे हो सकते हैं या ग्रुप बड़े हो सकते हैं, बिजनेस का एरिया हो सकता है या कोई और एरिया हो सकता है। हेनरी फ्यूल बोलते हैं कि मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल साइंस। ये क्या है, एक यूनिवर्सल साइंस है विच इज़ इक्वली एप्लीकेबल, जो बराबरी से हर जगह लागू होती है, चाहे वो कॉमर्स इंडस्ट्री हो, पॉलिटिकल हो, रिलीजन हो। मैंने बताया था ना, मंदिर चले जाओ, स्कूल चले जाओ, चाहे कोई पार्ले जी की फैक्ट्री चले जाओ, मैनेजमेंट हर जगह मिलेगा। दैट मीन्स वी आर द ह्यूमन बींग्स आर इन्वॉल्व इन अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव बाय कलेक्टिव एंडेवियर, मैनेजमेंट इज नेसेसरी। यानी कि कुल मिला के बात क्या है कि जहाँ पर भी इंसान अपने कामों में लगा हुआ है ना, क्या करने के लिए, अपने ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करने के लिए, उनको अचीव करने के लिए, वहाँ पर क्या है आपका मैनेजमेंट मैंडेटरी थिंक है, ठीक है। तो द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड इन टू वेज। मैनेजमेंट की फील्ड का टू तरीके से, दो तरीके से डिफाइन कर सकते हो। फर्स्ट, द एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड द फंक्शनल एरिया, ठीक है, फंक्शनल एरिया। यानी कि देखो, यहाँ पर इस चीज़ को नोटिस कर लेना, दो एरिया आएंगे, बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं। वापस बोल रहे हो, फोकस होकर पढ़ना। फर्स्ट, द एक्टिविटीज परफॉर्म इन एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट। यानी कि एक जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जितनी भी आपके मैनेजमेंट की क्या हो रही है, वर्क्स हो रहे हैं, क्रियाएं हो रही हैं, वो क्या कहलाती है, आपकी फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट वो आपके कहलाती है। वापस बता दूँ, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें जो भी क्रियाएं होती हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होने वाली क्रियाएं, काम, ठीक है, एक्टिविटीज़ परफॉर्म, व्हाट वी कॉल देम, वी कॉल देम फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट। एंड द अनादर वन इज वेरियस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन विच मैनेजमेंट आर यूज, ठीक है,
मैनेजमेंट आर यूज्ड कॉल्ड द नॉन बिजनेस एरिया ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि बिजनेस के अलावा जो बहुत सारे एरियाज होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनमें क्या होता है मैनेजमेंट एप्लीकेबल होता है, तो हम उनको क्या बोलते हैं, वहाँ पर बोलते हैं नॉन बिजनेस एरिया ऑफ मैनेजमेंट। देखो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो काम हो रहा है, जो एक्टिविटीज हो रही है, उनको क्या हम क्या बोलेंगे, फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। लेकिन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के अलावा जो रिमेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है उनमें भी मैनेजमेंट होता है, उनको हम बोलते हैं नॉन बिजनेस एरिया ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर अगेन आपके एक पॉइंट मिसिंग है, यहाँ पर आपके लिखा जाएगा मैनेजमेंट और देन फंक्शनल एरिया, ठीक है। इन द ग्लोबल कॉम्पिटिशन मार्केट द एक्सपेक्टेशन ऑफ ईच स्टेक होल्डर, ग्लोबल मार्केट है बहुत ज़्यादा, आपको पता है बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्या है, एक दूसरे से कॉम्पिटिशन है, स्टेक होल्डर्स जिनका इंटरेस्ट आपके बिजनेस में होता है, शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉयज, कस्टमर्स, गवर्नमेंट हैव बिकम वेरी हाई। इन ऑर्डर टू फुलफिल दीज एस्पिरेशन ईच टास्क हैज टू बी डन विद द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट्स एंड स्पेशलाइज्ड नॉलेज। देखो हर किसी की क्या होती है, एक्सपेक्टेशंस को कंप्लीट करना भी एकदम मैंडेटरी थिंक होती है। अगर ऐसा नहीं करोगे तो स्टेक होल्डर्स का आपके बिजनेस में से इंटरेस्ट चला जाएगा, और इंटरेस्ट जाएगा तो धीरे धीरे आपका बिजनेस भी वहाँ से चला जाएगा। वेदर इट इज अ स्मॉल वर्क और अ वर्क विच कैन डायरेक्टली अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो काम छोटा हो बड़ा हो, ठीक है। तो हर किसी में क्या है, हमको वो मैनेज करके चलना ही पड़ता है। इन ऑर्डर टू इंक्लूड स्पेशलाइजेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स एंड मैनेजर स्किल्स आर बीइंग यूज्ड फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ एवरी एक्टिविटी एंड फॉर ऑप्टिमम यूज ऑफ एवरी रिसोर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि हमें क्या करना होता है, ऑप्टिमम यूज़ ऑफ हर किसी रिसोर्स का क्या करना पड़ता है, ऑप्टिमम यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि रिसोर्सेज की तो स्कैरसिटी है हमें पता ही है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, अच्छी वाली मैनेजर स्किल्स और मैनेजर एक्सपर्ट्स चाहिए होते हैं। देयरफॉर एवरी फंक्शन, लास्ट ईयर की बात की जाए, यानी कि अपने 2020 जो एक बिजनेस स्टडीज़ का ही पेपर अटका था कॉमर्स वालों का, 2020 वाला बोर्ड एग्जाम, उसमें ही 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया था आपके कि एक्सप्लेन एरियाज ऑफ मैनेजमेंट, यही क्वेश्चन था। Therefore, every function of the institution or organization is being executed by professional managers. Hence, it is called the functional area of management. यानी कि आपकी क्या कहता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो उसमें क्या किया जा रहा है, जो भी आपके प्रोफेशनल मैनेजर्स द्वारा काम किया जा रहा है उसे हम क्या कहते हैं, प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र, यानी कि द फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट। अगेन यू कैन से एवरी फंक्शन ऑफ द इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन इज बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय प्रोफेशनल मैनेजर्स, हैंस इट इज कॉल्ड द फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्टडी फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, यानी कि हमारे फंक्शनल एरियाज जो है मैनेजमेंट के, उनको हम 3 मोटे मोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है आपका फंक्शनल एरिया ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, फंक्शनल एरिया ऑफ नॉन बिजनेस मैनेजमेंट एंड इनोवेटिव फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट। यानी कि फंक्शनल एरिया ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या फंक्शनल क्या क्या फंक्शंस होते हैं, किस तरीके से मैनेजमेंट होता है, इसके अलावा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अलावा जो रिमेनिंग ऑर्गेनाइजेशन उनमें मैनेजमेंट कैसे होता है, उनके क्या फंक्शनल एरियाज होते हैं, और जो न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, जो न्यू इनोवेशंस हो रहे हैं, तो इनोवेटिव फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट, 3 पॉइंट्स हमारे यहाँ पास यहाँ पर है। एज आई रिमेंबर एग्जाम में ये वाला आया था, फंक्शनल एरिया ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट यू हैव टू एक्सप्लेन 6 पॉइंट्स, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट है आपका प्रोडक्शन मैनेजमेंट। देखो यहाँ पर आपको आधे से ज़्यादा पॉइंट तो केवल नाम से याद हो जाएंगे, ढंग से पढ़ोगे ना तो वापस जाकर एग्जाम में याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल नाम से पता चल जाएगा। प्रोडक्शन मैनेजमेंट सिंपल, विच इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन, दिस ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट इनकॉर्पोरेट्स प्रोडक्शन प्लानिंग, वेराइटी कंट्रोल एक्सेट्रा इन दिस फील्ड। अब इन्होंने कुछ बहुत ज़्यादा तो बड़ा लिखा ही नहीं, सिंपल सा लिख दिया, दिस ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट इनकॉर्पोरेट्स प्रोडक्शन प्लानिंग, तो प्रोडक्शन तो हमारे पास यहीं आ गया। अब कुछ भी मैनेजमेंट करोगे तो प्लानिंग जो सबसे पहले होती है, ठीक है, फिर वेराइटी कंट्रोल एक्सेट्रा इन दिस फील्ड, यानी कि बेसिकली क्या होता है प्रोडक्शन मैनेजमेंट में, प्रोडक्शन कैसे किया जाएगा उसकी प्लानिंग की जाती है, ठीक है, उसके बाद हमारा मटेरियल कैसा बन रहा है उसके ऊपर कैसे कंट्रोल किया जाएगा, उसकी वेराइटी कैसी है, इन सब पे हम क्या करते हैं, फोकस प्रोडक्शन मैनेजमेंट में करते हैं। नेक्स्ट इज मटेरियल मैनेजमेंट, दिस ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट इनकॉर्पोरेट्स द प्रोसेस ऑफ परचेजिंग मटेरियल मैनेजमेंट। सिंपल सी बात है, मटेरियल का मतलब हमारे लिए नॉलेज में क्या होता है, सिंपल सा सामान का प्रबंध करना, ठीक है, सामग्री प्रबंध करना। आप सामग्री प्रबंध में क्या क्या करोगे, उसको खरीदोगे, ठीक है, उसको स्टोर करके रखोगे, परचेजिंग उसको स्टोर करोगे, लिफ्टिंग जहाँ पर स्टोर कर रखा है और जहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है तो वहाँ तक लिफ्ट करोगे, ठीक है, होर्डिंग, और इसके बाद क्या है आपका स्टॉक कंट्रोल एक्सेट्रा, ये सब आपके आ जाएंगे। होर्डिंग का मतलब होता है बेसिकली उठाई धराई, स्टॉक कंट्रोल एक्सेट्रा किस में होता है आपका, मटेरियल मैनेजमेंट में। थर्ड पॉइंट की बात की जाए मार्केटिंग मैनेजमेंट, दिस इज अ वेरी वास्ट फील्ड और यू कैन से अ वाइड एरिया ऑफ मैनेजमेंट, देयर आर
इज अ पर्टिकुलर बुक ऑन द मार्केटिंग मैनेजमेंट विच विल यू रीड इन द बीकॉम सेकेंड ईयर एज आई रिमेंबर. ठीक है, तो मार्केटिंग मैनेजमेंट तो खुद एक बहुत वास्ट एरिया रहने वाला है. दिस ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट इनकॉर्पोरेट्स द एक्टिविटीज ऑफ सेल ऑफ मैन्युफैक्चर गुड. मार्केटिंग में क्या होता है, देखो मार्केटिंग पता चल रहा है, यानी कि मार्केट से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं वो किस में आती है, मार्केटिंग में. मार्केट से रिलेटेड क्या होगा, अपना प्रमोशन करना, चीज़ों को क्या करना, अच्छे से सेल करना, मार्केट की रिसर्च करना, एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशंस ऑफ सेल्स ब्रांचेस, सिलेक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चेन, यानी कि आप अपना क्या कर रहे हो, जो मटेरियल प्रोड्यूस कर रहे हो उसको आगे तक कैसे पहुँचा रहे हो. फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दिस ब्रांच ऑफ द मैनेजमेंट इनकॉर्पोरेट्स द टास्क ऑफ डिटरमाइनिंग, पता चल रहा है ना, फाइनेंशियल रिलेटेड जो मैनेजमेंट है वो क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट. तो इसमें हम क्या करते हैं, टू नो अबाउट द नीड्स ऑफ कैपिटल, वेयर वी कैन कलेक्ट मनी, यानी कि सोर्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑब्टेनिंग द कैपिटल एंड मेकिंग इट्स बेस्ट पॉसिबल यूज इन द फील्ड, यानी कि हमें टोटली ये बताया गया है कि हमें एक एक फील्ड में क्या क्या करना होता है. सर्विस क्लास मैनेजमेंट की बात की जाए तो दिस ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स रिक्रूटमेंट सेलेक्शन. सर्विस क्लास मैनेजमेंट का मतलब बेसिकली HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. एक कंपनी में, एक ऑर्गेनाइजेशन में कैसे इंसानों को, यानी ह्यूमन पावर से हम काम ले सकते हैं, कैसे उनको रखा जाता है, सबसे पहले रिक्रूटमेंट करा जाता है, उनका सिलेक्शन करा जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनके वर्क का इवैल्यूएशन किया जाता है, एलिजिबिलिटी असेसमेंट किया जाता है, लेबर वेलफेयर, सोशल सिक्योरिटी, प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट्स, इम्प्रूविंग वर्किंग कंडीशन. दीज वी कैन से दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ सर्विस क्लास मैनेजमेंट एंड वी इंक्लूड दीज फैक्टर्स इन सर्विस क्लास मैनेजमेंट और कैन से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. ऑफिस मैनेजमेंट की बात की जाए, ऑफिस मैनेजमेंट तो बहुत ज़्यादा जरूरी है. ध्यान है 11th क्लास में हमने पर्टिकुलर 3 चैप्टर पढ़े ऑफिस से रिलेटेड. दिस ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट इनकॉर्पोरेट्स लेटर कॉरेस्पॉन्डेंस, रिसिप्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड इट्स डिस्पैच, मेंटेनिंग अ कॉन्टैक्ट लाइन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा. यानी कि ऑफिस से आप क्या करते हैं, बेसिकली आपका जो भी लेटर का, जो भी आपके साथ क्या चल रहा है, आपका लेटर बिहेवियर यानी कि पत्र व्यवहार जो आपका चल रहा है, ठीक है. इसके अलावा कम्युनिकेशन जारी रखना और अपनी ही जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर भी कम्युनिकेशन रखना, और एक होता है कम्युनिकेशन बाहर वालों के साथ रखना. ये सब किसके थ्रू होता है, ऑफिस मैनेजमेंट के थ्रू. ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट साफ पता चल रहा है, द ब्रांच विच इज रिलेटेड फ्रॉम सॉरी विच इज रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट. दिस ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट वर्क्स टू प्रोवाइड सेफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एज वेल एज इंडिविजुअल एट मिनिमम ऑफ टाइम विद लो एक्सपेंसिव. कुल मिला के बात यह है, मैनेजमेंट को विभिन्न क्या करा गया, पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया ताकि हर जो पार्ट है उसको बहुत अच्छे से किया जा सके. अब हमारे सामने इतने सारे पॉइंट्स हैं तो इन सबको करने के लिए हम अलग अलग मैनेजर्स रखेंगे, और एक मैनेजर के पास एक टाइम में क्या होगा, एक ही काम होगा, तो उसको बहुत अच्छे से कर पाएगा. अब ऐसा नहीं है ना कि आपने केवल एक मैनेजर को रख लिया और उसको ये सारे 9 के 9, 10 के 10 काम आपने क्या करे बता दिए कि भाई प्रोडक्शन भी तू ही कर, ऑफिस मैनेजमेंट भी तू ही कर, ट्रांसपोर्टेशन भी तू ही कर, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट मैनेजमेंट भी तू ही कर, तो सब क्या हो जाएगा, एकदम आपकी जो वेजिटेबल मैगी होती है वो वैसा बनकर कचरा हो जाएगा, ठीक है. इसलिए क्या किया गया, मैनेजमेंट के बहुत सारे आपके आस्पेक्ट्स बताए गए हैं, उनको डिवाइड किया गया है. एक्सपोर्ट इम्पोर्ट मैनेजमेंट, दिस ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट इनकॉर्पोरेट्स एक्सपोर्ट इम्पोर्ट रिलेटेड इन टू इट्स एरिया, ठीक है. बहुत बेसिक है कि जो ब्रांच क्या है आपके एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट से रिलेटेड है. मैनेजमेंट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन के लिए सबसे मैंडेटरी कौन सी होती है, R&D ब्रांच, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट. दिस ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट इंक्लूड्स द डेवलपमेंट, एक्सपेंशन, इनोवेशन एक्सेट्रा ऑफ टेक्नोलॉजी इन इट्स फील्ड. रिसर्च और डेवलपमेंट करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है ताकि हम नई नई इनोवेशंस कर सकें. अकाउंटेंसी मैनेजमेंट, दिस ब्रांच ऑफ, देखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट और अकाउंटेंसी मैनेजमेंट बोथ आर डिफरेंट टर्म्स. अकाउंट फाइनेंशियल में हम क्या करते हैं कि कहाँ से तो हम रिसोर्सेज लेंगे और कहाँ पर उनको खर्च करेंगे, इन सब का वहाँ पर कैलकुलेशन किया जाता है, वहाँ पर ये चीज़ ऑब्जर्व की जाती है. अकाउंटेंसी मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, दिस ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट कंप्राइज ऑफ कीपिंग अकाउंट्स, प्रिपेयरिंग कॉस्ट अकाउंट्स, रिसीविंग पेमेंट्स, ऑब्टेनिंग कैश अकाउंट्स ऑफ असेट्स, यानी कि बेसिकली जो आप क्या कर रहे हो, आपके अकाउंट सब्जेक्ट में कर रहे हो ना, वो आप यहाँ पर करोगे. ए पॉइंट खत्म होता है. बी पॉइंट की बात की जाए तो ऑपरेशनल एरियाज ऑफ नॉन बिजनेस मैनेजमेंट, ठीक है, यानी कि हमारे पास जो नॉन बिजनेस मैनेजमेंट है उनके अंदर क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं. मैनेजिंग पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, आप क्या करते हो, जन उपयोगी जो सेवाएं होती हैं उनका मैनेजमेंट करना, यानी कि जो नॉर्मल पब्लिक के लिए जरूरी सर्विसेज हैं. दिस ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट इनकॉर्पोरेट्स वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन. अब ऐसे थोड़ी ना है कि समुद्र का पानी सीधे आपके पास आ रहा है या फिर कोई डैम का पानी सीधे आपके पास आ रहा है, कोई प्रॉपर प्रोसीजर है तभी तो आपके पास आ रहा है. ऐसा तो नहीं होता ना कि बारिश हुई और हमने रोड पे से पानी इकट्ठा करा या छतों पे हमारे पानी इकट्ठा पीना चालू कर दिया, ऐसा करते हो, नहीं करते ना. हमारे घरों पे प्रॉपर पानी पहुंच रहा है,
किसके पीछे पहुंच रहा है भाई, एक अच्छा सा मैनेजमेंट वहां पर काम कर रहा है तब जाके आपके घर में पानी पहुंच रहा है। मैनेजिंग एनवायरनमेंट, ठीक है, मैनेजिंग एनवायरनमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एनवायरनमेंट का ध्यान नहीं रखोगे तो एनवायरनमेंट भी एक टाइम के बाद आपका ध्यान नहीं रखेगा। दिस ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट इनकॉर्पोरेट्स द वर्क ऑफ प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट फ्रॉम बीइंग पॉल्यूटेड। यानी कि बेसिकली किस पे फोकस करता है कि यार हम जो काम कर रहे हैं ना उनकी वजह से क्या हो, हमारा एनवायरनमेंट क्या हो, बिल्कुल भी पॉल्यूट ना हो। तो इसके लिए हम क्या काम करते हैं, ट्राई ये करते हैं कि जो भी काम किया जाए वो इस तरीके से किया जाए एनवायरनमेंट को लेस ऑफ द पॉल्यूशन। मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का प्रबंध। दिस ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट डील्स विद द डेवलपमेंट एक्सपेंशन एंड ऑपरेशन ऑफ टीचिंग ट्रेनिंग फैसिलिटीज। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, बेसिकली हमारा क्या है, एजुकेशन के एरिया को भी वास्ट बनाना हमारा एक मोटो होना चाहिए ताकि हम क्या कर सकें, टीचिंग ट्रेनिंग वगैरह इनको और एक्सटेंड कर सकें और हमारे समाज को अच्छा बना सकें। डिफेंस मैनेजमेंट है। दिस ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट डील्स विद एस्टेब्लिशमेंट ऑपरेशन एंड कंट्रोल ऑफ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस में तो क्या आता है आपके, बेसिकली मोटा मोटा आपका मिलिट्री आ जाती है। और वैसे भी हम कुछ टाइम्स तो कंटिन्यू पढ़ रहे हैं कि यार चीन के साथ हमारे इतने इश्यूज चल रहे हैं, नेपाल के साथ हमारे इतने इश्यूज चल रहे हैं, वहाँ पर बॉर्डर पे लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो कैसे हो रही हैं, आपने एक अच्छा मैनेजमेंट कर रखा है ना, आपने अपनी वहाँ सेना खड़ी कर रखी है, वहाँ पर वो स्ट्रैटेजीज बनाती हैं। जैसे अभी हमने उरी मूवी देखी थी, उसमें क्या हुआ, एक अच्छा सा क्या करा उन्होंने, मैनेजमेंट करा, अपनी स्ट्रैटेजी बनाई, प्लानिंग करी, तभी तो उन्होंने वहाँ पर अटैक करा ना। ठीक है, तो ये आता है आपके डिफेंस मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट ऑफ जस्टिस, न्याय का प्रबंध। दिस ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट डील्स विद द इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज, हियरिंग ऑफ क्राइम्स एंड इट्स जस्टिस। किसके अकॉर्डिंग, किसके लिए काम करती है, बेसिकली लॉज के ऊपर ही काम करती है, क्राइम की बातें सुनती है और उनके ऊपर न्याय देती है। मैनेजमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, तकनीकी का प्रबंध। दिस ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट इनकॉर्पोरेट्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज एंड एक्टिविटीज दैट प्रमोट नॉलेज एंड साइंस इन इट्स फील्ड। तो बेसिकली किसके बारे में बात करती है कि आपके जो साइंस की टेक्नोलॉजी है उसको कैसे बढ़ाया जाए, उसको कैसे डेवलप किया जाए, तो ये हम लेते हैं आपके टेक्नोलॉजी में। अब है आपके पास लास्ट न्यू फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट। ड्यू टू द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इन टुडेज बिजनेस एंड इंडस्ट्री सेक्टर द एरिया ऑफ मैनेजमेंट हैव बिकम इंपॉर्टेंट। ठीक है, जैसे जैसे सब कुछ बढ़ता जा रहा है तो आपका मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। उसमें भी क्या हो रहा है, इनोवेशन हो रहे हैं, नए नए टेक्निक्स आ रही है, बट इट डिपेंड्स ऑन द नेचर, रिक्वायरमेंट, पर्पज एंड रीजन ऑफ इट ऑफ द इंडस्ट्री। देयरफॉर फॉलोइंग मैनेजमेंट एरियाज आर इंक्लूडेड इन द फंक्शनल एरिया। यानी कि आप इसमें क्या क्या शामिल कर सकते हो, यहाँ पर हमारे पास एक्सप्लेनेशन नहीं है, केवल पॉइंट्स हैं, तो पॉइंट्स ही आप क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। फर्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, यानी कि जो आपके सार्वजनिक उपक्रम होते हैं, ठीक है, उनका मैनेजमेंट करना आपके इसमें शामिल होता है। मैनेजमेंट ऑफ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट्स, ठीक है, इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, नए नए इनोवेशंस होते जा रहे हैं, तो मैनेजमेंट ऑफ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। एप्रोप्रिएशन ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बेसिकली जो कह सकते हैं रिलेट करता है वो होता है इन्वेस्टमेंट से। ठीक है, एंड एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट, स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट, फार्म मैनेजमेंट, रिटेल बिजनेस मैनेजमेंट, रिस्क एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट। कुल मिला के बात यह है कि यहाँ पर आपके क्या है, बहुत सारे मैनेजमेंट के जो इनोवेशन है, जो न्यू टेक्निक्स है, वो यहाँ पर दे रखी हैं। बेसिकली अगर बहुत ज़्यादा, वैसे तो सारे एरियाज ही क्या है, इंपॉर्टेंट है, फिर भी अगर ये मोटा मोटा बात की जाए तो आपको जो पढ़ने को मिलेगा फ्यूचर में वो है आपका चेंज मैनेजमेंट, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, नॉलेज मैनेजमेंट। ये कुछ बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पढ़ने को अच्छे से मिलेंगे। और एक यहाँ पर था हमारे पास पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, दिस वन एप्रोप्रिएशन ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वास्ट फील्ड वी कैन से फॉर स्टडी। तो आई होप आप लोगों को चैप्टर समझ में आया होगा। इस तरह से हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। अगेन अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना यार। ठीक है, फिर वापस मिलेंगे जल्दी, सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। रही बात क्वेश्चन आंसर की, एज आई प्रोमिस्ड, तो ये वीडियो थोड़ी और लंबी हो जाती तो इसलिए छोटी सी वीडियो बनाएंगे। उसमें हम क्या करेंगे, केवल क्वेश्चन आंसर ही डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन आंसर नहीं, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आंसर आपको खुद को ढूंढना है, नहीं आए तो कमेंट में बताना है, देन आई विल टेल यू द आंसर। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, ध्यान रखना और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहना।